राखी सर स्पेशल करें आसून। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने दो नंबर कोर्ट पे स्पेशल चाइल्ड जो कि है ये मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड है। मैं आशा करता हूँ जब ये बच्चे कोर्ट पे उतरेंगे आप सब लोग खड़े होकर इनका स्वागत करेंगे, ठीक है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए थे बंगाल के लिए, इन बच्चों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग सब आपने एक का नाम इतना उन्नत किया, हम आपको संस्थान प्रणाम करते हैं। आइए आप लोगों का कैलकटा थंडर बोर्ड के मैदान में बहुत 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 स्वागत है। सभी से मेरा अनुरोध है जो उसे हाथ ताली देकर इन बच्चों का ताश बनाएंगे। इन बच्चों ने बड़े बड़े काम किए हैं, वैसे तो ये बच्चे स्पेशल चाइल्ड है लेकिन जून 2023 मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। 11-14 पवन कुमार पाटोदिया, मिस्टर सुमित कुमार पाटोदिया के हमारे तरफ से बिराट अनार जे उन्नी एक लाइफ टाइम अचिवमेंट जेटा बला है से आज के प्रदान कर लगे एक इतिहास लेखा थकल যে উনি যে ভলিবলের জন্য এত কিছু করছেন বেঙ্গলেতে তার জন্য একটা টোকেন ওনাকে আমরা সম্মান জানাবো। सुधाकर जी को फेलिसिटेट करूंगा। सुधाकर जी ऑल द वे बिहार से आए हैं, पटना से आए हैं आप लोगों का मैच देखने के लिए। एक बार जोर से ताली मारिए। ही इज स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ बिहार और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, खेल कूद को बहुत प्रमोट करते हैं। स्टाफ पढ़िए हमारे संबोधन दीचे हमारे प्रिय मानूष वॉलीबॉल যিনি কর্ণধার মিস্টার পবন কুমার পাটোডিয়া স্যার, সবাইকে অভিনন্দন জানান। এই পুরস্কারটা আমাদের অন্তর থেকে আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া হচ্ছে। और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि पवन जी जो काम कर रहे हैं वॉलीबॉल को लेकर के, ये न केवल बंगाल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने जो है कोलकाता थंडरबोल्ट का नाम किया है। इसलिए मैं हमेशा ये चाहूंगा कि पवन जी इसी लगन से इसी तरीके से विश्व में जो है भारत का नाम वॉलीबॉल के लिए विशेष रूप से खेल में आगे बढ़ाते रहें और आने वाला समय जरूर जिस तरीके से विश्व में क्रिकेट और बाकी खेलों में खेल खेले जाते हैं। अभिनंदन पुरुलिया আমরা গর্বিত যে এত প্লেয়ার পুরুলিয়া থেকে উঠে এসেছে, তাদের যদি আমাদের যদি কিছু সহযোগিতা লাগে আমরা নিশ্চয়ই ওনাদের সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবো। আপনারা করতালি দিয়ে এই দুজনকে অভিনন্দন জানান যে ভলিবলের জন্য এনারা দুজন যাচ্ছে যা করছেন, যে এত বড় একটা সং যাদের যাটা বাংলা তত ভারতবর্ষে আজকে সব সময় বাড়ছে তার জন্য আমরা আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। मैं सीए पवन पटोडिया लाइव फ्रॉम ऑर्किड अरिना आज यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो इतने आंधी तूफान आने के बाद भी हम फिर से तैयार हैं वॉलीबॉल का मैच खेलने के लिए। अभी क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इस टीम में जो भी जीतेगा, दो क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं। इस बार 64 पूजा कमेटी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे साथ इस टूर्नामेंट में उतरी और हमें बहुत गर्व हो रहा है ये बोलते हुए कि हमने पिछले 6 दिनों में बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट किया। हर इंसान जो इस टूर्नामेंट को प्ले करने आया, जो देखने आया, उन्होंने इस टूर्नामेंट की बहुत तारीफ की। अब लग रहा है धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट वॉलीबॉल में फिर से जाग रहा है और अगर इसी तरह इसी स्पीड से सब कुछ होते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वॉलीबॉल भी मेन स्पोर्ट्स में आ जाएगा इंडिया के। आप लोग से मेरा अनुग्रह है
कि अभी कुछ देर में ही स्पेशल ओलंपिक के बच्चे गेम खेलेंगे, उस गेम को पूरा कवर करें, बिकॉज ये स्पेशल चाइल्ड जो है ये आपके आशीर्वाद के भरोसे ही बैठे हैं। अगर मीडिया ने इनको आशीर्वाद दे दिया तो मेरी जो मुहिम है इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं वो इन स्पेशल चिल्ड्रेन को अपना आशीर्वाद देंगे, और बंगाल की धरती ने जिसने अभी बर्लिन ओलंपिक जो कि जून 23 में हुआ था 9 गोल्ड मेडल जीते थे, हम आशा करते हैं अगले बार बंगाल से कम 30 मेडल जीतें। इसी बात के लेकर मैं अब कलकत्ता थंडरबोल्ट में तो सिर्फ वॉलीबॉल खिलाता था, लेकिन स्पेशल ओलंपिक में बच्चों को मैं वॉलीबॉल भी खिलाऊंगा, फुटबॉल भी खिलाऊंगा, क्रिकेट भी खिलाऊंगा, चेस भी खिलाऊंगा, बैडमिंटन भी खिलाऊंगा, बास्केटबॉल भी खिलाऊंगा, हैंडबॉल भी खिलाऊंगा, हर वो गेम खिलाऊंगा जो मेरे बच्चा खेलना चाहते हैं।